ये है LG TV की न्यू मॉडल किट, और इसमें एक नंबर लगा हुआ है, जो नंबर है कंपनी ने जो ESD का नंबर दिया हुआ है वो है BSC 25N555। ऐसे ही जो भी नई किट होती है कंपनी जो डालती रहती है वो ESD कई तरह के ऐसे नंबर जो बाज़ार से नहीं मिलते। अब इसका पता लगाना है कि इसमें ESD कौन सी डलेगी। इसका पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है, एक तो इसमें मेन ऐसी देखो, इन किटों में जो न्यू मॉडल किट है उसमें मेन ऐसी लगा हुआ है, ये मेन ऐसी हो जिसमें लगा हुआ TDA 111 05 PS N33 AN4। ये है न्यू मॉडल किट। इस किट में ESD कंपनी ने कोई भी लगा रखी हो, और इसका ये सर्किट है, यहाँ से फर्स्ट नंबर पे ये आउट बूस्ट के लिए सप्लाई आउट होगी, और सेकंड नंबर पे ये सप्लाई इनपुट होगी 110 वोल्ट, तीसरे नंबर पे 14 वोल्ट है जो प्लस है, और उससे नेक्स्ट पिन पे है -14 वोल्ट, उसके बाद 200 वोल्ट बेस के लिए, उसके बाद ग्राउंड ये खाली है, ये भी खाली है, 20 वोल्ट लिखा हुआ लेकिन खाली है, ये ABL की है, और जो लास्ट में है 10 नंबर पे वो है हीटर। इस किट में, इस किट का सर्किट को आप ध्यान से देखिए, आप वीडियो को पॉज करके रोक कर आप इसको सर्किट को ध्यान से देख सकते हैं। इस सर्किट में 6006N और 6006M ESD चलेगी। कोई भी कंपनी ने ESD इसमें लगा रखी हो, इसमें दो ESD आराम से चल जाती है, 6006N और M। हमने कुछ डायग्राम बनाया है, कुछ सर्किट इस तरह से बनाया कि आपको समझने में आसानी रहेगी। जिस नए मॉडल, जो न्यू मॉडल किट है उनमें ना दो IC लगे होते हैं, TDA 11105 और 12135, ये दोनों सेम ही हैं, और इनमें ESD लगेगी 6076V 6006M और 6006N, दोनों सेम ही हैं। बाज़ार में ये आसानी से मिल जाती हैं, जो कंपनी लगा रखी हैं वो कुछ इस तरह के नंबर होते हैं जो बाज़ार में मिलते ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या हो सकता है मिले ना ही मिले। आपने देखना क्या है, इसको मेन IC को चेक करना है, और ये मेन IC है इसमें ESD लगी हुई, दोनों नंबर की पहचान हमें कैसे होगी, ये दोनों नंबर कोई से मिल जाए बाज़ार में से, दोनों ही इसमें बिल्कुल सही चलते हैं। इनका सर्किट जो है, सर्किट मिलाना अपने ESD का, IC के बाद ESD का जो ये नंबर है जिसमें चलेंगे, लगभग दो तरह की ही ESD दो तरह की आती है, एक पुराने मॉडल की एक न्यू मॉडल की है। जो न्यू मॉडल है ये नंबर है न्यू मॉडल के, और इसका सर्किट है ये, इसको ESD के नीचे लिखा हुआ सब कुछ। इसका जो फर्स्ट नंबर है लेफ्ट राइट से, इसमें 110 वोल्ट आउट, उसके बाद दूसरे नंबर भी सप्लाई इनपुट होगी 110 वोल्ट, उसके बाद 14 प्लस 14 माइनस 200 वोल्ट है जो हीटर के बेस के लिए है, आउट होगी, उसके बाद ग्राउंड, फिर ये खाली है, ये भी खाली है, उसके बाद ये ABL और 10वें नंबर पे हीटर। आपने ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि ये हीटर और जो 180 वोल्ट है आउट के लिए बेस के लिए, ये दोनों भी मिलाओगे तो भी काम चल जाएगा। मैं समझाता हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से, जो लास्ट की पिन है 10 नंबर हीटर और 200 वोल्ट, जिसके सर्किट में ESD के नीचे ये मिल जाए, समझ लो ये ESD 6006M और N है। ऊपर जो कंपनी नंबर दिया उसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ये देखना है, इसमें सर्किट देखना है ओनली किट के नीचे से, जो लास्ट नंबर है हीटर का है, और जो 5 इधर से 6 नंबर नीचे से लेफ्ट राइट से 5वें नंबर पे 200 वोल्ट बेस के लिए आउट है, तो मान लो ESD ये डलेगी। कुछ भी नहीं देखना कौन सा नंबर लेना है, सिर्फ बाज़ार से मांग ले लेना, कंपनी नंबर कोई भी डाला हो ये नंबर इसमें चल जाएगा, इस सर्किट में जैसे कि मेरे पास ये आई हुई है। इसमें देखो जो 200 वोल्ट है ये लिख रखा है आउट है बेस के लिए, ये 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5 5वें नंबर 200 वोल्ट, और लास्ट में HT हीटर, मतलब
बेस के लिए जो हीटर है, ये दोनों मिला लो, जिस लगभग सेम ही है, न्यू मॉडल की ट्रे सेम ही है, इनमें सब में 6006M और N EST चलेंगी बिल्कुल ओके। और दूसरा सर्किट इससे पहले मॉडल की किट, जो पुराने मॉडल है वो भी मेरे पास किट है, अभी अवेलेबल है, इसमें भी कई तरह के नंबर डाले हुए हैं कंपनी ने। इसमें है लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नंबर है ये बूस्ट के लिए आउटपुट है, सेकंड नंबर है जो 185 वोल्ट आउट बेस के लिए, और जो थर्ड नंबर है वो इनपुट है 110 वोल्ट इनपुट। उसके बाद ये ग्राउंड है, इसको ये है उससे पुराना मॉडल, इससे पहले मॉडल जो किट आती थी। इसमें है लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नंबर है ये बूस्ट के लिए आउटपुट है, सेकंड नंबर है जो 185 वोल्ट आउट बेस के लिए, और जो थर्ड नंबर है वो इनपुट है 110 वोल्ट इनपुट। उसके बाद ये ग्राउंड है, इसके बाद -14 +14, इसके बाद फिर ग्राउंड, फिर ये ABL की पिन है, ये 9वें नंबर पे हीटर आउटपुट है, और ये AFC है। इसमें भी हमने कुछ उलझन नहीं है, कंपनी ने कोई भी नंबर लगाया हो, इसमें जो मेन चीज़ है हमने हीटर और 180 वोल्ट ही मिलानी है। हीटर लास्ट में 9 नंबर पे है और नीचे से सेकंड नंबर पे 185 वोल्ट जो आउटपुट है, ये देख लेना है, हमारे किट में ये दोनों मिल जाएंगे। इसमें IC जो लगा हुआ है 93, 70, 93, 40 और 93, 81, तीन तरह के IC लगते हैं, मेन IC तीन IC इनके साथ अटैच होते हैं, हमने सिर्फ ये मिलाना है। यदि सर्किट किट में हमारा इसके साथ का है तो इसमें 6002X और 6002K चलेगी, इसको भी हम कुछ सर्किट से ही समझ लेते हैं, इससे आसानी रहेगी आपको। ये तो हो गया न्यू मॉडल 12135 11105 जो IC है उसमें ST ये दोनों नंबर लगेंगे और इसका सर्किट है ये। अब बारी है पुराने मॉडल की, जो इससे पहले TV आता था, इसमें 93, 40, 93, 70, 93 मेरे से मिलेगा 100% के 100%, और इसमें जो ST लगती है 6174Z, इसका कोई दिक्कत नहीं, जेड की वजह कुछ और भी हो सकता है, हमने ये नंबर देखना है 6002K और 6002X, इसका सर्किट है ये जो अभी हमने दिखाया है पुराने मॉडल का। इसमें आपने सिर्फ इतने सर्किट में सब ऊपर समझा देता हूँ, 110 वोल्ट आउट है फर्स्ट नंबर, लेफ्ट साइड ले लेना ST को हाथ में रख कर, ऐसे ये ST हमने हाथ में रख ली, लेफ्ट साइड से ये फर्स्ट नंबर है, इस तरह से ही हमने सर्किट बनाया है। जो फर्स्ट नंबर है 110 वोल्ट ये आउट है बूस्ट के लिए, सेकंड नंबर है 180 वोल्ट बेस के लिए, थर्ड नंबर है 110 वोल्ट जो इनपुट है। उसके बाद ग्राउंड 14 वोल्ट -14 वोल्ट प्लस ग्राउंड, ABL हीटर और AFC। सेकंड नंबर इसका भी हमने ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, यदि हमारे किट में राइट साइड में सेकंड नंबर पे हीटर है और सेकंड नंबर पे लेफ्ट साइड में ही 180 वोल्ट आउट है तो ये ST 6002X और K है, इसमें और नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बाजार से आसानी से मिल जाती हैं 6002K और 6002X। LG में ज़्यादातर दोनों ही ST चलती हैं, आपको सर्किट मिलाना है, यदि हमारे पास ये सर्किट आया हुआ किट में सर्किट मिला लो, सिर्फ मेन हीटर और 180 वोल्ट आप मिलाओगे, 200 वोल्ट हीटर और 200 वोल्ट मिलाओगे तो ST नंबर आसानी से मिल जाएगा, ये मिलाना है आपको, सिर्फ ये सर्किट मिला लो, इसमें मेन हीटर और 200 वोल्ट है, इसमें भी हीटर और ये 180 वोल्ट है आउटपुट बेस के लिए, ये मिला लो, इनके सामने नंबर लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक कर पॉज करके आप देख सकते हैं इसमें कौन सा नंबर चलेगा, बाजार से ये आसानी से मिल जाती हैं, जो कंपनी नंबर देती है वो आसानी से नहीं मिलते, लेकिन ये नंबर आसानी से मिल जाते हैं, 6006M और N इसमें डलेगी न्यू मॉडल में, ये पुराना मॉडल है, 6002K और 6002X इसमें डलेगी, बिल्कुल आसानी से मिल जाती है बाज़ार में। तो नहीं है, यदि हम बाज़ार से अपना पुराना ST लेके जाते हैं उनको इनके साथ कॉन्टीन्यूटी करते हैं तो कई बार नहीं मिलती, क्योंकि जो ये पिन दे रखे 5 नंबर न्यू मॉडल में ज़्यादातर क्या है 6000M और N में जो आउटपुट 5 नंबर पे है लेफ्ट राइट से हम लेफ्ट साइड से चेक करते हैं, ये 200 वोल्ट की कॉन्टीन्यूटी नहीं आती, क्योंकि कंपनी ने जो इसको आउट किया है एक कई बार कंपनी ने 110 वोल्ट जो इनपुट इससे आउट करते हैं कवर, कई बार क्या है ये जो आउटपुट है हीटर की बाइंडिंग हीटर से की होती है, ये हीटर की सप्लाई से आउट होती है, हीटर के साथ सर्किट अटैच होता है जो हीटर से ही आउट होता है, इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है मीटर से वो कई बार नहीं मिलती, इसमें हमको नहीं उलझना है, 100% के 100% हमने कन्फर्म कर रखा है और हमने चला के देख रखा है, आपको ये ST डालनी है, सर्किट मिला के ये ST लेना, बाजार से आसानी से मिल जाती है, हमारे पास दोनों ST अवेलेबल हैं, ये 6002 है, देखो ये ऐसे ही नंबर मिलेगा, देख लो एक बार 6002 के ऐसे मिलेगी, ये पुराने मॉडल के लिए
जो नंबर सर्किट इसका ये है, और एक नंबर है यू 176V 6006N या ये मिल जाए M। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये देखो 176V 6006M M और N बिल्कुल सेम है। इसी तरह से एक हमारे पास किट और है अल्ट्रा स्लिम LG, देख लीजिए इसमें भी जो सर्किट न्यू मॉडल 6006M इस किट का है, 6006M ब्रांड का है। एक मिनट, ये सर्किट है जो ESD का सेम ही सर्किट इन्होंने, ये देखो आप मिला लेना, वीडियो को रोक के भी आप इसको सर्किट को ध्यान से देख सकते हो, सेम ही सर्किट ही अल्ट्रा स्लिम किट में भी है। मतलब कहने का ये है जो न्यू मॉडल किट है सबकी ESD सेम ही है, सेम ही नंबर में लग जाएगा, सेम सर्किट है। देखो 6006M और N इस सर्किट में चलेगी, वही सर्किट इस किट का है। कोई भी किट हो आपने सर्किट देखना है, किट में उलझने की ज़रूरत नहीं है, अल्ट्रा स्लिम हो सिंपल हो ये न्यू मॉडल किट है दोनों ही, इनमें नंबर दोनों में ही सेम ही चलेगा क्योंकि सर्किट आपने रोक के मिला लेना है। ये देखो, और इसके बाद यदि कुछ समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।